मुझे आशा है इस वीडियो में आप लोगों की मदद से 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर और 1000 से ज़्यादा लाइक मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेचर ट्रैवल एक्सपीरियंस में आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका फ्रेंड संजय बनर्जी हूँ। इस बार मैं 03559 ऑफ अंडाल रामपुरा ट्रेन में बैठा हूँ। मैं उत्तर झारखंड जा रहा हूँ, जो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजमहल है, और साथ ही में शिवगढ़ शिवधाम बारहेट भी जा रहा हूँ। साथ ही बारहरवा प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर भी जा रहे हैं। अब सिवरी स्टेशन पर कर रहा हूँ। ट्रेन अब साइथिया स्टेशन और मयूराक्षी नदी के पार कर रहा है। इस ट्रेन से रामपुरहाट तक जाऊंगा। रामपुरहाट से मैं रामपुरहाट गया एक्सप्रेस पकड़ाऊंगा। रामपुरहाट स्टेशन पर कर रहा है। तीन पहाड़ स्टेशन में प्रवेश करने से पहले
अब मैं तीन पार स्टेशन पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छा स्टेशन है, तीन पहार नाम जितना प्यारा है ऐसा ही स्टेशन भी उतना ही प्यारा है। स्टेशन के बाएं ओर एक पहाड़ है जिसे अंदर से नहीं देखा जा सकता है लेकिन बाहर से देखा जा सकता है। मैं आप सबको तीन पहाड़ स्टेशन के आसपास थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप स्टेशन से बाहर आने के बाद आप सबको स्टेशन का बाहर दिखा रहा हूँ। स्टेशन के बाहर एक सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है। अब मैं टोटो करके राजमहल जा रहा हूँ। तीन पहाड़ स्टेशन से राजमहल तक शेयर टोटो का किराया 70 रुपया। तीन पहाड़ स्टेशन से राजमहल की दूरी 15 किलोमीटर है। तीन पहाड़ से राजमहल का सफर बेहद खूबसूरत है। सड़क के दोनों ओर आम के पेड़ों की कतारें हैं। आप सब चाहे तो तीन पहाड़ स्टेशन से ट्रेन से राजमहल जा सकते हैं। तीन पहाड़ और राजमहल के बीच 8 जोड़ी ट्रेन चलती है। राजमहल झारखंड के साहिबगंज में एक तरफ पर्वत सारी और दूसरी तरफ माँ गंगा के बीच में एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है। आज और कल मैं गंगा के किनारे बने खूबसूरत होटल राजू होटल में 2 रात रुकूंगा। राजमहल स्टेशन से राजू होटल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। घाट दूर से देखा जा सकता है। गंगा के उस पार मालदा का माणिक चौक है। यहाँ से आप सब स्टीमर के जरिए माणिक चौक जा सकते हैं। थोड़ी आराम करने के बाद मैं राजू होटल के काफी करीब सिंगी दलान आ गया। सिंगी दलान की अंदर जाने के लिए 5 रुपया का प्रवेश मूल्य लगता है।
इसे राजा मानसिंह ने बनाया था और कई इतिहासकारों के अनुसार इसे शाहजहां के दूसरे बेटे सुजा ने बनाया था। सिंही दलान, जिसे हॉल ऑफ स्टोन्स के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड के राजमहल में गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित सुल्तान सुजा के महल राजमहल के प्रमुख शेष खंडों में से एक है। अब मैं आप सबको राजमहल के बारे में कुछ बताता हूँ। राजमहल एक बार सभी शक्तिशाली बंगाल प्रांत की राजधानी थी, जो मध्ययुगीन शताब्दी के दौरान वास्तव में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली प्रांत था। और इसने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस शक्तिशाली प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया। ये ऐतिहासिक कदम मानसिंह द्वारा संभव किया गया था, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। कहानी ये है कि वर्ष 1592 में उड़ीसा की विजय से लौटने पर मानसिंह ने राजमहल शहर में एक संक्षिप्त पड़ाव बनाया था। इस संक्षिप्त प्रवास के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ये छोटा शहर बंगाल और बिहार प्रांत के संदर्भ में बहुत केंद्रों में स्थित था। इस एहसास ने राजमहल कस्बे की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अगले 3 वर्ष के भीतर यानी वर्ष 1595 में राजमहल को अंततः बंगाल प्रांत की राजधानी बना दिया गया। इतने महत्वपूर्ण प्रांत की राजधानी बनने के बाद एक बार अज्ञात राजमहल शहर ने अचानक भारतीय उपमहाद्वीप में अभूतपूर्व महत्व हासिल कर लिया। ये कारण है कि वर्ष 1595 के बाद यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया गया। राजमहल शहर का ये गौरवशाली काल हालांकि वास्तव में अधिक समय तक नहीं चला। दालान में अंदर करने से पहले एक बहुत ही सुंदर किड्स पार्क मिलेगा और एक कैफेटेरिया है। आप चाहे तो विकल का टिफिन ले सकते हैं। में इस्लाम खान वन मुगल सम्राट जहांगीर के जनरल ने राजधानी को राजमहल से ढाका शहर में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन नियति के अनुसार शाह सुजा मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र बंगाल प्रांत के गवर्नर जनरल के बाद राजमहल शहर को राजधानी को दर्ज मिला। उन्होंने 1638 से 1639 बीच में राजधानी को वापस राजमहल शहर में स्थानांतरित कर दिया।
हालांकि मुगल शासन के तहत राजमहल का गौरवशाली युग। अठारहवीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य, जिसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, के आगमन के बाद अचानक अंत हो गया। उन्होंने पलासी के युद्ध में मुगलों को सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद अपने आगमन की घोषणा की, जो संजक से बंगाल प्रांत में लड़ा गया था। ऐसा था राजमहल का इतिहास। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दूर से ही माँ गंगा के तट से सिंगी दालान बेहद खूबसूरत नजर आता है। सिंगी दालान के बगल में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है।
मंदिर अब बंद है, त्रि शिवलिंग अंदर देखा जा रहा है। सिंगी दलहन के प्रवेश द्वार से पहले ही एक छोटा सा खूबसूरत पार्क है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हूँ संजय। हम भारतवर्ष की अलग अलग जगह घूम रहा हूँ और इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप दिल खुशी करके मेरे चैनल को देखते रहिए। और जाते जाते हर बार की तरह एक ही बात बोलता हूँ, आपका दिल जो जाती है आप वही कीजिए, थोड़ा सोच समझिए।